जय हिंद। कई बार हम लोगों से ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम एटीएम से कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो जैसे ही कैश आना का होता है, जैसे कैश डिस्पेंस होने वाला था, वैसे ही लिंक चला जाता है या फिर किसी भी प्रकार से कोई टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण हमारे खाते से पैसे डेबिट हो जाते हैं बट फिजिकल हमें मिलता नहीं है। ऐसे में हम काफी परेशान हो जाते हैं, काफी पैनिक हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। लेकिन आपको यहाँ पे रहना है कुल। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपके जो पैसे कट गए हैं उसे अपने खाते में दोबारा पा सकते हैं। तो ये जान लेते हैं पूरा प्रोसेस की पूरा प्रोसेस क्या है। और हाँ, वीडियो बड़े कमाल का है ना, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी सबको मिल जाए और वो भी पैनिक ना हो। देखो, सबसे पहले करना क्या है कि आपको होना है कुल। आपको यहाँ पे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पैसे अगर आपको नहीं मिले तो आपके पैसे आप ही के हैं और आपके खाते में जरूर आएंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी बैंक है उस बैंक में आपको जाकर एक आपको लेटर देना है, लेटर एप्लीकेशन देना है कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन था इस टाइम पे, इस डेट को, इस टाइम पे हम कर रहे थे, फिजिकल हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है लेकिन वो पैसा हमारे खाते में नहीं आया। अक्सर ऐसा कई बार भी होता है कि अगर आपके पैसे कट जाते हैं किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण तो 24 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा वापस आ जाते हैं। तो उससे पहले कि आप जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसे आप चेक करवा लें आपका पैसा रिफंड हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसी कंप्लेन पे आप यहाँ पे मेंशन कर दें, सारा डिटेल जानकारी आप दे दें कि आपका अकाउंट नंबर ये है, आपने इस डेट को इस बैंक के एटीएम से और इस समय पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे, पैसा कट गया लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिला। तो पहला तरीका है आप यहाँ पर रिटर्न कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है, हमेशा नहीं हो सकता है कि आपका बैंक खुला रहे और आप जब ट्रांजेक्शन करते हो उस टाइम बैंक भी खुला रहे। आप शाम को करें, शाम को तो बैंक बंद हो जाता है। इवन संडे सैटरडे को भी बैंक बंद रहता है अधिकांश टाइम, सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे को, तो उस दिन आप कहाँ जाएंगे। तो वैसे में आपको करना होगा सेकेंड नंबर स्टेप। तो सेकेंड नंबर स्टेप है आपको उसी समय अगर मान लीजिए बैंक बंद है तो आपको जो भी बैंक का एटीएम है, एटीएम पे आप देखेंगे पीछे तो टोल फ्री नंबर लिखा हुआ रहता है यानी कस्टमर केयर का नंबर, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करके सारी घटना जो भी आपके साथ हुई है वो आपको बताना पड़ेगा। उसकी डिटेल जानकारी आप उसे बैंक कस्टमर केयर के थ्रू से आप यहाँ पे अपनी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ स्टेप नंबर टू। अब बात करते हैं स्टेप नंबर थ्री में। अगर इनसे ही बात ना बने तो यहाँ पे आरबीआई के सख्त निर्देश है कि आपके पैसे 3 से 7 दिन के अंदर आपके खाते में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप क्लेम के हकदार हो जाते हैं। यहाँ पे 100 रुपया पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे क्लेम मिलने वाला है। हालांकि आपको बहुत लोगों को नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं होती है, लोग चाहते हैं जो मेरे पैसे फिलहाल वही मिल जाए तो हम बाकी चीज जाने देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा रूल्स है आरबीआई की तरफ से। अब जान लेते हैं रूल नंबर फोर्थ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रकार से आपका बैंक वाले नहीं सुन रहे हैं या आप कस्टमर केयर वाले नहीं सुन रहे हैं या फिर आपने बहुत सारे लेटर लिखा, बहुत सारे कंप्लेन किया, नहीं कोई सुन रहा है, तो फाइनली अब आपको जाना होता है बैंकिंग अबुसमेंट पे, जहां पे आप जिसे हिंदी में कहते हैं बैंकिंग लोकपाल, वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसकी सुनवाई आपको वहां पे 100% होने वाली है। यहाँ पे आप किस प्रकार के कंप्लेन लॉन्च करेंगे ये जानकारी आपको अगली वीडियो में देंगे कि आप बैंकिंग से रिलेटेड आप यहाँ पे किस किस प्रकार के यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉलोइंग आपको जो 4 स्टेप है आप यहाँ पे अपना सकते हैं और अपने पैसे अपने खाते में वापस ले सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके हो बैंकिंग खास करके तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कोई ईमेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।